नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी यूट्यूबर है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है और ये फ्री वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है, आइसक्रीम वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर इसका नाम है दोस्तों। इसमें कैसे वीडियो को एडिट करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा तभी आप कुछ सीख पाइएगा। और इस वीडियो में दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर में आप अपना कलर कलेक्शन कर सकते हैं और कुछ बहुत सारे वीडियो का स्पीड जो है वो सब भी घटा बढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर मुझे लगा। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं कैसे सीखूं यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस आइसक्रीम वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर को जैसे आप ओपन कीजिएगा तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जिस कैटेगरी में वीडियो बनाना है, इंस्टाग्राम का बनाना है या यूट्यूब का बनाना है, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं भी यूट्यूब का बनाने वाला हूँ और आप लोग को समझाने वाला हूँ, तो मैं यूट्यूब वाले पे इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इस पर मैं जैसे इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको सेकेंड वाला करना, सेकेंड वाले पर कीजिएगा तो यहाँ देखिए सेलेक्ट और हो जाएगा और इस तरह का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो चलिए मैं अपना जो है 16:9 पे क्लिक करता हूँ और यूट्यूब का सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ये जो है टाइमलाइन है, ये नीचे आपका टाइमलाइन है, यहाँ नीचे आप म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है आप देखिए, यहाँ पे ऐड फाइल आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके वीडियो को इसमें टाइमलाइन में ऐड कर सकते हैं या डायरेक्टली आप मूव करके यहाँ से वीडियो को इसमें ऐड कर सकते हैं, प्रोसेस दोनों का सेम है। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लिया अपने प्रोजेक्ट में, इसमें लाइब्रेरी में एक वीडियो को ले आया, ठीक है। तो अब बताते हैं कि कैसे आपको वीडियो एडिट करना। तो चलिए मैं इसको यहाँ से इस टाइमलाइन पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ सब ये सब जो है ये म्यूजिक का है, ये आप इस वीडियो कट कर सकते हैं, ये क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से कुछ लिख सकते हैं और यहाँ से वीडियो को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि इसको मैं कट करके जहाँ जो भाग का मुझे चाहिए वो भाग का मैं वीडियो यहाँ पे लेना चाहूँगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आगे में कुछ खाली है जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, देख लेता हूँ कि मेरा ओपनिंग जो है कहाँ से है। देखिए दोस्तों, मेरा ओपनिंग जो है यहाँ से है, तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक 1:30 का मैं वीडियो को ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको डन पे क्लिक करना है। ये देखिए वीडियो आपका इतना मिनट का कट के आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे इसको कट करेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए आप यहाँ पे इसके ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको कंट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रास्ट को भी आप थोड़ा यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो जो शूट किया वो मोबाइल से, तो वीडियो की क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से आपको वीडियो पर निखार उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप जो देखिए शर्ट का कलर या कलर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा एक देखिए नीचे कलर का ऑप्शन, तो इस पर आप क्लिक करके कलर को बढ़ा घटा सकते हैं। कलर इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे रहने दूंगा और यहाँ पे वीडियो को प्ले करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो जो हमारा प्ले होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, सबसे मेन जो है दोस्तों आप यहाँ से स्पीड में बंद कर देता हूँ और इससे आप रोटेट कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये रोटेट हो गया, फिर क्लिक करता हूँ, देखिए ये रोटेट हो गया, ठीक है। आपको जैसा चाहिए इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए आप जो ये इधर था इधर हो गया है, आप देखिए उधर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको जैसे करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए वीडियो स्पीड कंट्रोल जो मिल जाता है दोस्तों, सबसे बढ़िया मुझे ये लगा वीडियो स्पीड कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मुझे मतलब हमें यूट्यूबर को कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कुछ वीडियो को जल्दी जल्दी दिखाना पड़ता है जो हमारा व्यूअर जो है वो बोर ना हो, ठीक है। इस वजह से हमें कुछ वीडियो को स्पीड करके दिखाना होता है। तो आप यहाँ से भी देखिए अपना हिसाब से इसको स्पीड इसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरा वीडियो का जो है वो स्पीड बढ़ चुका है, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रैम के वजह से, सिस्टम कुछ फंस रहा है दोस्तों। इस तरह से आप स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, देखिए पूरा स्लो हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ से फिर मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, यहाँ से आप स्पीड इसका बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा मैं इसको इधर करके फिर यहाँ से प्ले करके देखता हूँ, स्पीड जो वो बढ़ चुका है। इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 8 कलर का, ठीक है। तो 8 कलर पे आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस वीडियो के इधर बीच में कुछ कलर को ऐड करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से व्हाइट वाले को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। व्हाइट वाले क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद फिर ये वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ से मुझे ये वीडियो में फिर कुछ ही पार्ट चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इस पार्ट को काट लूँगा, ठीक है। इस पार्ट को काट के उसके बाद यहाँ डन पे क्लिक कर दूँगा, तो इतने पार्ट में जो ये वीडियो मेरा कट के रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्लस, इस पर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से कुछ वीडियो में जो है वो इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ बने बनाए इफेक्ट आपको मिल जाएंगे, आपको जो सा ठीक लगे आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ फ़िल्टर मिल जाएंगे, तो फिल्टर बहुत सारे फ़िल्टर देखिए दोस्तों, फ़िल्टर आप अप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत सारे फ़िल्टर अच्छे अच्छे फ़िल्टर है जिसपे आप यूज़ कर सकते हैं, अपने वीडियो में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर आपको फ़िल्टर मिल जाएंगे, तो ये सारे फ़िल्टर को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर फ़िल्टर भी मिल जाता है यार, कम सम फ्री सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फ़िल्टर भी मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, मुझे तो अच्छा लगा दोस्तों। तो आप लोग भी इसको यूज़ में ला सकते हैं और यूज़ करके एक बार देख सकते हैं। और बहुत छोटी MB की ये सॉफ्टवेयर है, 25 से 30 MB की ये सॉफ्टवेयर होगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे यहाँ से आप वीडियो को एड कर सकते हैं, फिर यहाँ से इमेज को, फिर सॉन्ग है, इसी तरह का यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो आपको मिलेगा, जैसे फुल स्क्रीन आपको करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, देखिए पूरा डिस्प्ले यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से आपको फिर बैक कर देना, यदि हाफ रखना है तो यहाँ से आपको हाफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा देखिए दोस्तों एक, यहाँ से आप माई प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट आपने सेव करके रखा है। और यहाँ पर आपको एक वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सपोर्ट वीडियो, तो एक्सपोर्ट वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर वीडियो का कुछ नाम आपको दे देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको जहाँ आपको सेव करना है वहाँ उसका लोकेशन को आपको इसमें सेव कर देना है, लोकेशन जिसको मैं डेस्कटॉप देके सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो कैटेगरी मिल जाएगा, तो MP4 रहने देंगे आप। उसके बाद आपको कौन सा रेजोल्यूशन में चाहिए, फुल HD चाहिए या HD चाहिए, 1280x720 या 1980x1080, ठीक है। तो आपको जो सा चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ से आपको फुल HD मीडियम या जो सा चाहिए आपको, ठीक है, हाई पे आपको क्लिक कर देना है। हाई वाले पे क्लिक करके आप यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे दोस्तों आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। 100% तक ये जाएगा और आपका वीडियो रेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।